हरे कृष्णा। तो आज की जो कथा एक विपरीत कथा है, सभी लोग जिसके लिए पागल है, ऐसे व्यक्ति कथा है जो छोड़ने के लिए पागल है। कामिनी कांचन जिसके लिए दुनिया पागल है, ऐसे एक भक्तों ऐसे बूट के लगा हुआ है उसको छोड़ने के लिए पागल है। तो हम लोग सुनेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। हम लोग सुनेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा, उन्होंने कैसे कृपा प्राप्त के लिए कितना आतुरता, कैसे कितना प्रयास किए है, इसके बारे में थोड़ा वर्णन है। तो आज जो है एक अंत में एक वैष्णव के लिए एक भोज किया है जिसके नाम चीरा दोधी महोत्सव, चूरा है, पोहा और दही, मीठा वाला नमकीन वाला दो बना के वैष्णवों को खिलाए, इसके बारे में कथा सुनेंगे हम लोग। तो बंगाल गंगा के पश्चिम तट पे सप्तग्राम के अधिपति हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार दो भाई रहते थे, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। उनके वार्षिक जो इनकम था, कमाई, वो 12 लाख रुपया था। सोने का कॉइन थे, तब सोने का 12 लाख रुपये उनके इनकम थे, और बहुत ज़्यादा दानी थे, दान करते थे हमेशा। तो बहुत दानी थे इनके। और गोवर्धन मजुमदार के कोई पुत्र या हिरण्य मजुमदार के पुत्र संतान यदि नहीं थे। गोवर्धन मजुमदार के एक लौता पुत्र है जिनके नाम है रघुनाथ, और प्रेम से उनको रघु भी बोलते थे, रघुनाथ जी। तो बचपन से ही इनके विषय में कोई आसक्ति नहीं था। श्री गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाल हईते तेहो विषय उदास। उस गोवर्धन के पुत्र जिनके नाम है रघुनाथ दास, और बचपन से ही विषय से उदास। हम लोग ब्रह्मचारी बन गए फिर भी विषय की आश है, पैसा मिलेगा कोई छोड़ देगा, हर के पैसा चाहते हैं, लेकिन बचपन से विषय से उदास, विषय बिल्कुल उनको पसंद नहीं है, विषय से उदास। तो इसके बाद उन्होंने उनकी जो है पढ़ाई लिखाई हुई, तो उसी समय हरिदास ठाकुर से भी मिले, उन्होंने आशीर्वाद भी किए, उनके सेवा भी करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु, ये इनका कोई विषय में कोई लगन ही नहीं था, कोई कार्य में उनका मन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, जाने का तो उनको चांस नहीं मिला महाप्रभु से मिलने से। तब उन्होंने सुना कि महाप्रभु संन्यास ले लिया, उनके मन में विचार था कि मैं महाप्रभु से मिलूँगा और जो भी अपना आत्मसमर्पण करूँगा, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके चरण में हम समर्पित होऊंगा। लेकिन समस्या क्या हुआ, जब संन्यास लिए उनके चिंतित हो गया कि संन्यास लेके कोई कहाँ चले जाएगा। पहले तो संन्यास एक जगह नहीं रहते थे, मोबाइल फोन नहीं, कोई कांटेक्ट कैसे कांटेक्ट करे, तो बड़े चिंतित थे। तब उन्होंने सुना कि महापुरुष संन्यास लेके शांतिपुरा के 10 दिन तक रहा। पिताजी से निवेदन किया, मैं शांतिपुर में जाकर महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो महाप्रभु के चरण कमल मिले। आचार्यों भी अच्छा से जानते थे, अद्वैत आचार्य के घर पे महाप्रभु रुके थे, ये भी अच्छा से उनको जानते थे, क्योंकि वो भी उनको भी दान देते थे। उनके पिताजी बड़े फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे उनके पिताजी, ताऊ जी।
तो वो भी बहुत आदर करके उनको महापुरुष से मिलाए। महापुरुष का अवशिष्ट जो प्रसाद है झूठा पत्तल वो भी मिला। तो कोई दिन तक महापुरुष के साथ में रहे और महापुरुष उनको कृपा आशीर्वाद करके उनको भेज दिए। घर जा के पागल जैसे हो गए। महापुरुष के पास जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। माता पिता ने समझ लिया कि कम से कम इसको संसार में बांध के रखने के लिए उनको शादी, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बोले बंगाल में जितने से सुंदरी ऐसे एक सुंदरी से उनको विवाह कर दिया। फिर भी उनमें विरक्ति कोई कम नहीं हुई। तभी महाप्रभु जो पहले संन्यास लेके गए और 5 साल बाद फिर आए महाप्रभु, फिर आके जब शांतिपुर आए, रघुनाथ जी पिताजी से प्रार्थना किए कि मैं महापुरुष से मिलना चाहता हूँ, मैं नहीं मिल पाऊँगा तो मेरा शरीर प्राण नहीं रहेगा। तभी उनको सिक्योरिटी भी लगा दिया था, सिक्योरिटी लगा दिया उनके पीछे। उस सिक्योरिटी के साथ, सेवक के साथ वो जाके महापुरुष से मिले, महापुरुष से मिले और दिन रात एक ही बात करते थे, एक बात, रक्षक के रहते हमें क्या मुने छुटी वो, कि ये रक्षक है, मेरे रक्षा करने वाले जो है, मेरा पिताजी लगा दिया मेरे पीछे, इसके हाथों से मुझे कब छुटकारा मिलेगा और मैं महाप्रभु के चरण कमल में जाके पहुँचू। तो आप ये कृपा कीजिए, रात दिन केवल यही बात करते थे। तो महाप्रभु जाते समय उनकी इस वैरागी को देख कर बोला, मरकट वैराग्य ना करो लोगो देखैया, यथा योग्य विषय भुंजो अनाशक्त होइया, अंतरे निष्ठा बाह्य लोको व्यवहार, वची राते कृष्ण तुम्हारे करीबे अंगीकार। कल बंदर जैसे वैरागी मत दिखाओ, बंदर जैसे वैरागी मत दिखाओ, लोग दिखाने के लिए बंदर जैसे वैरागी मत बनो, अंतरे निष्ठा बाहर में लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे, कृष्ण आपको उद्धार कर देगा। अच्छा आप लोग एक बात, रघुनाथ दास गोस्वामी को आप लोग मरकट वैरागी समझेंगे, अपराध नहीं होगा? ये तो रियल वैरागी था, ये तो मरकट वैरागी था नहीं, उनके अंदर वास्तव में अंदर से हृदय से ही चाहते थे महापुरुष से मिलने के लिए। क्यों महापुरुष उनको मरकट वैरागी क्यों बताए? वो क्या महापुरुष उनके हृदय को नहीं जानते हैं क्या? मरकट वैरागी देखो, मरकट वैरागी उनके बिल्कुल नहीं है, रियल वैरागी है रघुनाथ दास गोस्वामी। वो कि दिखावटी वैरागी नहीं है कि ऊपर वैरागी वेश ले लिया, मरकट उसको बोलते हैं बंदर को, जैसे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, घर भी नहीं है, तो उसके लिए मरकट। और जो कोई व्यक्ति है वैरागी तो ऊपर से है लेकिन अंदर जो भोग की वासना है, कामिनी कंचन की आशा है, उसको ऊपर वैरागी है, उसको बोलते हैं मरकट वैरागी, दिखवाटी वैरागी। रघुनाथ तो ऐसे नहीं थे ना, लेकिन क्यों बताया ऐसे? नहीं, क्योंकि वो जो दिखवाटी करके भागने चाहते थे उसके लिए रुकावट हो रहा था, उनको जाने के लिए बाधा हो रहा था उसको, हाँ वो जा नहीं पा रहा था। यदि छुप के अच्छा से रहते, कोई भी अकेला भाग जाता तो बस, या कोई बहाना करके कि मैं थोड़ा ऐसे विषय जैसे पिताजी जैसे चाहते ऐसे रहता और बोलते मैं थोड़ा जगन्नाथपुरी घूम के आता हूँ, बस रह जाता। तो इसके लिए उनको जाने के लिए जो दिखवाटी उनको बैरागी भाव है, भागने चाहते हैं बार बार, मैं ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, तो इसलिए उसको रुकावट हुआ। उनके पिताजी इनके सिक्योरिटी लगा दिया, 11 लोग लगा दिया, 5 सिक्योरिटी लगाया, 4 सेवक है, 2 ब्राह्मण है, 4 सेवक है और 5 सिक्योरिटी है, उनके साथ 11 लोग लगा दिया उनके पीछे। तो इसके लिए महापुरुष बोले मरकट बरगे जथा जोगो, जैसे ऊपर जैसे करना चाहिए करो, अंतर में निष्ठा रखो, बाहर में लोग व्यवहार करो। कभी कभी ऐसे परिस्थिति होते हैं जो हम लोगों के भक्तों तिलक लगा के जाना सिंगापुर, अब जाओगे ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको छुपाना पड़ेगा। अंतर में आपको ऐसे भाव है लेकिन बाहर आप ऐसे नहीं जा सकते हो कि लाल कपड़ा पहन लिया, कंठी लगा लिया, तिलक और शिखा रख के नहीं जा सकते हो, आपको रोक देगा। तो इसी समय आपको
अंतर में निष्ठा रखना है, बाहर लोक व्यवहार जैसे जहाँ पे जैसे है करना है। तो ऐसे बोले तो उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारा ऐसे जाओ और तुम्हें कृष्ण के कृपा हो गए, कृष्ण कृपा जार तारे के राखी ते पारे। यदि कृष्ण कितना बंधन कैसे भी कुछ हो जाए, जिसके प्रति भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, कौन उनको रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकते हैं। कृष्ण कृपा जार तारे के राखी ते पारे। और तुम अभी घर जाओ, उसी समय ऐसे बुद्धि तुम्हारा अंदर स्मरण होगा तो अब तुम निकल जाओगे। तो ऐसे कह के महाप्रभु उनको विदाई दिया। महाप्रभु घर गए, महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और उनको घर भेज दिए। घर पे जाकर महाप्रभु के अनुसार आचरण करने लगा, अपने घर के जो जमींदार थे, जमींदार की जो कार्य व्यवस्था देखने लगे, सभी कुछ कार्य ठीक ठाक। माता पिता समझ रहे थे कि इसके ठीक हो गए, रघुनाथ ठीक हो, उनका सिक्योरिटी थोड़ा कम कर दिया, देखभाल करना इतना थोड़ा कम हो गया। तब इसी बीच में क्या हुआ कि उनके ताऊजी क्या करते थे, ये सिस्टम ऐसा ट्रेडिशन ऐसे होते थे कि जमींदार एक क्षेत्र ले लेते हैं, जमींदार और राजा हो या मुस्लिम सरकार नवाब थे तो उनको आप टैक्स कलेक्शन करोगे, एक तालुका जैसे होते एक तहसील होते हैं, उसी एरिया की आप टैक्स कलेक्शन करोगे, 75% आप सरकार को दोगे और 25% आपके खर्चे के लिए, आप कलेक्शन करने के लिए जो भी खर्चे हैं आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे 20 लाख कलेक्शन करते थे और 12 लाख जमा करता था तो क्या हुआ, कितना परसेंट, 40% रख लेते थे। कितना रखना चाहिए, 15 लाख देना चाहिए, देते 12 लाख, तो क्या हुआ, तीन लाख रुपए का हेर फेर हो रहा था। इससे पहले एक मुस्लिम चौधरी जी उस क्षेत्रों के टैक्स कलेक्शन के दायित्व थे, वो समझ गया कितना कलेक्शन होते हैं और कितना देते हैं। तो ऐसे जानकर मतलब रघुनाथ अपने परिस्थिति ठीक की, अभी भागने का समय होगा, इसी समय एक संकट आ गया। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को, नवाब को बताया और पुलिस लेकर उनको घेराव कर लेंगे घर, कैसे ना कैसे हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार भाग गया। तो घर में किसी को नहीं मिला तो रघुनाथ को पकड़ लिया, पकड़ के ले गया, हर दिन पीटने का धमकी देते, धमकाते डराते हैं, मारने के आते मतलब मारते नहीं हैं, विशेष कायस्थ तो बुद्धि से वो डरते हैं मारते नहीं हैं। तो बहुत तर्जन बहुत दिखाते हैं मारने के लिए, काश तो तेरे पेट के एकदम खाल निकाल दूंगा तेरा, कहाँ है पिताजी, कहाँ ताऊ जी, बताओ। ऐसे करके करते हैं, लेकिन रघुनाथ जी सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बोले कि देखो मेरा पिताजी और आप, मेरा ताऊ जी, आप लोग तीन भाई हो, भाई भाई कभी कलह होते हैं, कभी कलह होते हैं, कभी मित्रता होते हैं, काल आज शत्रुता काल फिर तीन एक मिल जाओगे। तो इसी प्रकार आप उनका, मैं उनका पाल्य हूँ, मैं आपका भी पाल्य हूँ, आप मेरा पालोक है, पाल्य होकर पालोक को ताड़ित ना जू जाए, ऐसे तरना हमें ऐसे कष्ट नहीं देना चाहिए, आप मेरा पालोक हो। लेकिन रघुनाथ इतनी अच्छे से बोला, उसके हृदय पिघल गया मुस्लिम के, और उनका आँखों से पूरा, बड़ा लंबे दाढ़ी थे मुस्लिम, उसे दाढ़ी भर के अश्रु गिर रहे थे। आज वो बोलते हैं, आज ही हुई थे तुम्ही मोर पुत्र, आज ये चढ़ाई में तुम्हारे कोरी एक सूत्र, आज से तुम मेरा पुत्र हो, आज कैसे ना कैसे तरीका निकाल के आपको छुड़वा दूंगा। तो ऐसे उनको छुड़ा दिया, वो बोला झूठ था, ऐसे है वैसे, जो भी है वही जेल में डाला, वही निकाल दिया। और बोले कि देखो ऐसे ठीक नहीं है, तुम्हारा ताऊजी को मिलाओ और कुछ तो मुझे भी देना चाहिए ना, तुम 3 लाख खा रहे हो, हमें भी कुछ दे दो। तब रघुनाथ जी उनको ताऊ से मिलाया, सभी सब मेटमाट हो गया। तो
फिर वो भागने चाहते हैं, भागते हैं, पीछे पिताजी लेके आते हैं, फिर भागते हैं, फिर पकड़ के लेके आते हैं। तो इससे पलाय धोरी आने, तभी उनकी माँ उनके पिताजी से कहने लगे कि देखो इसके बांध के रख दो, कैसे कभी ना कभी ऐसे भाग जाएगा, हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनको बांध के रखो। तब उनके पिताजी ने बहुत अच्छी बात बताया, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अक्षर सम हे जय बांधिते नारी लार मन दड़ बांधने तारे कैमन राखिबे जन्मदाता पिता नए प्रारब्ध खंडाइते चैतन्य चंद्रेर कृपा हइयाचे जय हार चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। माँ उनको माता को उनके पिताजी समझाए, देख पागली मैं दूर और शिष्य बंदा, क्योंकि उनके कोई भाई भाई होते हैं तो प्रतिद्वंदी होते हैं कि वो भी हिस्सा मिलेगा, कोई नहीं है, ताऊ जी है, उनके कोई बच्चे नहीं है, गोवर्धन जिनके एक ही उलौता पुत्र है, तो इसे उनकी कोई विषय के लिए उनकी कोई संकट नहीं है, पूरा ही उनका है। तो बोले इंद्र सम ऐश्वर्य 12 लाख आप हिसाब कीजिए इंटू 50,000, अभी 10 ग्राम सोना के दाम 50,000 है, एक कैन के 10 ग्राम कम से कम वजन वजन होता था, तो 12 लाख और गुणा 50,000 इतने इनकम थे। तो बोला इंद्र सम ऐश्वर्य है और स्त्री अप्सरा के समान है, 500 साल पहले की स्त्री है, ये तो सुंदरी है, कितनी पतिव्रता स्त्री होगी। तो और ये बोला ये जिसको मन को बांध नहीं पाया, ऋषि के बंधन से कैसे उनको रुकाएंगे, मन तो नहीं रहेगा ना, मन जब नहीं रहेगा ऋषि से बांध के क्या करेंगे, और जन्मदाता पिता उनको प्रारब्ध खंडन नहीं कर सकते हैं। जन्मदाता पिता यदि प्रारब्ध खंडन कर सकता था तब हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद महाराज एक अच्छा असुर बन जाता। यदि पिताजी किसी का कर्म को खंडन कर सकता या प्रारब्ध को खंडन कर सकता तो प्रह्लाद महाराज क्या बनता, एक अच्छे खासा असुर बन जाते, उसके पिता यही चाहते थे। लेकिन बोले जन्मदाता पिता प्रारब्ध खंडन नहीं कर सकता, चैतन्य चंद्र की कृपा हुआ है, चैतन्य चंद्र की बातुल पागल को कौन रख सकते हो, चैतन्य का पागल है, हम तो विषय की पागल है, ये चैतन्य का पागल है। तभी ऐसे बोले, तब रघुनाथ मन ही मन विचार किया, मुझे तो चैतन्य चंद्र का कृपा तो हुई है, महापुरुष से मिले, सभी मैं इतना जाने चाहता हूँ क्या क्या समस्या है जिसके कारण मैं चैतन्य महापुरुष इतना प्रयास करने के बाद भी महापुरुष के चरण कमल में जा नहीं पा रहा हूँ, क्या बात क्या है इसमें। उन्होंने बाद में आखिर में ढूंढ ही निकल लिया, जो एकांत में ऐसे कृष्ण जब ऐसे सोचते हैं कृष्ण उनको बुद्धि देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद मुझे नित्यानंद पुरुष की कृपा होगी, उनकी कृपा मेरे प्रति नहीं है तो मैं अवश्य पहुंच पाऊंगा। तो ऐसे उन्होंने सोचे और पिताजी से निवेदन किए कि पिताजी मैं थोड़ा नित्यानंद पुरुष पास जाना चाहता हूँ। पता किया कि पानी हटी गांव में नित्यानंद पुरुष रहते हैं, है तो उन्होंने पिताजी बोला ठीक है बेटा जाओ सिक्योरिटी के साथ, ऐसे नहीं जा सकते हो, सिक्योरिटी के साथ जाना है तो गंगा तीरे वृक्षो मूले पिंड रोज पड़े बसिया से प्रभु जेन सूर्योदय करे तले उपरे बहु भक्त हैया बेष्टित देखिया प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित दंडवत हया पड़िल कत दूरे सेवक कहि रघुनाथ दंडवत करे सुनि प्रभु कहे चोरा दिले दर्शन आय आय आजि तोरे करी मुंडन। तो
रघुनाथ जाके क्या देखा, गंगा के तट पे वृक्षों के नीचे विशाल एक बड़ वृक्ष अभी भी है विराजित, तो साक्षी दे रहे हैं। आगे पीछे गंगा थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन वो थोड़ा अंदर ही है, लेकिन अभी साक्षी दे रहा है कि नित्यानंद प्रभु विराजमान थे यहाँ पे। गंगा के तट पे वृक्ष मूल में बसिया चे प्रयोजन जेनु सूर्योदय सुबह सुबह पहुँचाता, सूर्योदय हो रहे हैं जेनु सूर्योदय। तले ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था, ऊपर भी नित्यानंद के परिकर थे और नीचे उनके नीचे जो उनके पार्षद सेवक लग थे नीचे तले, बहुत भक्त बेष्टित तो होकर चारों ओर से बैठे हुए थे। रघुनाथ नित्यानंद के प्रभाव को देखकर विस्मित हो गए और बहुत दूर से दंडवत प्रणाम किए। और सेवक जब देखा नित्यानंद प्रभु के बातों में मग्न थे, सेवक कहा प्रभु ये रघुनाथ आपको दंडवत कर रहे हैं। सुना महा नित्यानंद प्रभु सुना और बोलते हैं अरे चोर, आज तुम दर्शन दे दिया, आज तुमका दंड प्रदान करूंगा, तो पानिशमेंट मिलेगा। हाँ तो कौतुक में नित्यानंद बहुत निकटे बुलाए तो ना करे गमन, तो कौतुक में नित्यानंद बहुत दयालु है। ये जो चोर है बड़ा नित्यानंद का मन में बहुत आनंद है, बहुत आनंदित, ये आनंदित वाक्य है क्योंकि ऐसे ही नित्यानंद प्रभु अपने आप को बेच कर उसको चैतन्य देना चाहते हैं। यदि कोई चैतन्य को चाहते हैं नित्यानंद कितना खुश होंगे, इसलिए बोलते हैं चोर ये बोला कौतुक है नित्यानंद, बोलते कविराज कृष्ण बोलते कौतुक में बोलते हैं ये चोर आज दर्श आत्म का दंड प्रदान करूंगा। तो नित्यानंद कौतुक सौ दयामय वो रघुनाथ कहे कि होइया सदाए, तो निकटे बुलाए तो ना करे गमन आकर्षीय तार माथे धरिल चरण। तो अब लड़का इधर आओ वो आ नहीं रहा था तो आकर्षण किया, मतलब पकड़ के दबा दिया और चरण थम कर हाई वोल्ट दे दिया उनका शेर पे। साथ जो चरण कमल पानी से सारा पीसा एकदम जैसे मैल है, एक क्षण में मैल दूर होकर निर्माल हो जाएगा, ऐसे नित्यानंद दो चरण कमल धर दिया उनके शेर पे और कहने लगे निकटे नयाईशो चोरा भागो दूरे दूरे आजो लग पयाची डंडी मुँह तुम्हारे। बोला निकट नहीं मेरे पास में नहीं आते हो चोर, दूर दूर भागते हो। हाँ आज ही आज लाख आज मेरे हाथ पे आ गए हो, तुम्हें आज दंड प्रदान करूंगा, आज तुम्हें दंड प्रदान करूंगा। सिरा दो भक्कन करो मोर गने सुनिया आनंद होइला रघुना तेरे मने। दंड क्या है, सभी के दंड के लिए बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े मन में पीड़ा होती हैं, रो देते हैं, लेकिन दंड जब सुने उनके आनंदित हो गए उनके मन में। क्या है इसे दंड, बोले हमारा जो वैष्णव बहन के चूरा और दही खिलाओ, सुना और आनंदित हो गया क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो नाराज हो रहा है ऊपर से, लेकिन महा कृपा करने जा रहे हैं कि आज तेरा जो बंधन है सब खंडित कर दूंगा मैं, तो चैतन्य चरण चाहता है, इतना प्रसन्न है। बोला चूरा और दही मेरे भक्त लोग को खिलाओ, उनके मन में आनंदित हो गया और तुरंत अपने गांव में लोग भेज देके, इतना पैसा लेके नहीं आए थे, सप्तग्राम ज़्यादा दूर नहीं है गंगा, ये गंगा के पूर्व तट पे पानी हटी है, आगे जाके कुछ दूर जाके सप्तग्राम है, लोग तुरंत भेज दिए। बोले जाओ पैसा लेके आओ, पिताजी से बोलो और चूरा दही चीनी जो भी है सभी मिलते हैं वो लेके आओ, संदेश मिठाई एक संदेश ये सभी कुछ लेके आओ। और वो लेके आए और इधर आसपास में जो भी था वो भी सभी खरीद लिया, और पवित्रता मिट्टी के बर्तन बहुत सस्ता मिलते हैं बंगाल में, वो आधा आधा होता है बर्तन, तो ऐसे वो बहुत सारे 200-400 मंगाया, 400-500 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मंगाए,
पहले जो है कुकिंग वगैरह के लिए ऐसी मिट्टी का बर्तन में, सोचिए मत आप लोग सुने कि मिट्टी के बर्तन में कुकिंग करते थे, एक बार यूज़ करके थ्रो, ऐसे नहीं हमेशा रखने के लिए नहीं, एक बार कुकिंग करके फेंक देती थी। तो मिट्टी का बर्तन मंगाए और जब ही सुना कि नित्यानंद प्रभु बड़े महोत्सव मना रहे हैं, सभी लोग चारों ओर से आ गए, ब्राह्मण सज्जन आशीते लगे लोग असंख्य गणन, ब्राह्मण सज्जन लोग जब सुने असंख्य लोग आने लगे। ये खास बात बंगाल में है, आप यह प्रसाद खिलाओ रिक्शा वाला के अलावा दूसरा नहीं लेगा, लेकिन बंगाल में आप प्रसाद के नाम डाल दिया तो अच्छे अच्छे लोग अभी यहाँ से पुलिस चौकी तक शांतिपुर में फेस्टिवल में जाएंगे, चलिए पुलिस चौकी से दूर इतने लाइन लेंगे, अच्छे व्यक्ति प्रसाद खिचड़ी प्रसाद खाएंगे, आके प्रसाद में बहुत श्रद्धा है। तो बोला आशीते लगे लोग बहुत शोक आने लगे ब्राह्मण सज्जन। तो फिर और दूसरी गांव से छोटे छोटा सामग्री मंगाए और पांच सात लोग पहले चूड़ा को दूध गर्म किया, पोहा के दूध में गर्म किए, भिगाए, भिगा के उठा के आधा आधा किया, एक दही चीनी और केला से बनाया और दूसरा जो बनाए बहुत और दूसरा पत्र में बहुत जो राबड़ी जैसे दूध को बहुत घना बनाए, मोटा बनाए, उसमें डुबाया, उसमें कपूर घी और चापा केला आदि संदेश आदि देकर बनाया, दो टाइप के बनाया। नित्यानंद प्रभु स्नान करके धोती पहन के पिंडा के ऊपर बैठे और उनके परिका रामदास सुंदर दासोग दादा मुरारी कमलाकांत सदाशिव पुरंदर परमेश्वर जगदीश परमेश्वर दास असंग बशीर। तो इसी प्रकार जो है जो नित्यानंद प्रभु का परिकर है ये लोग नित्यानंद साथ में ऊपर बैठे और सुनी पंडित भट्टाचार्य जत भी प्रभु आईला मान्य करी प्रभु सवारी ऊपर बसाइला, सुना बड़े पंडित भट्टाचार्य लोग बड़े बड़े पंडित जो है ये आए तो मान्य करके उनके सम्मान करके नित्यानंद प्रभु अपने पास में ऊपर बैठाए। आर जो तो लोग सब बड़ी बसिलो चबूतरा तलाने नीचे बस बैठे, मंडली बंद कर गोल होके बैठे, कोई नहीं चाहते थे कि मैं नित्यानंद को पीठ देखा के बैठूं। ये कृष्ण लीला में भी ये कृष्ण बलराम बीच में बैठ गए और चारों ओर से कृष्ण को मुख दे के बैठेंगे सभी, और इधर ऐसे कृष्ण बैठे है पीछे वाले को भी दिखाया कि मेरे ओर कृष्ण बैठा है, मेरे ओर मुख करके कृष्ण बैठा है, यही उनकी अलग दिखता है। तब इसी प्रकार जो है सभी लोग बैठे और दो दो मटके सबको दिए और को तो लोग तिरे निकट स्थान ना ही पाया दुई कुंड चीरा भी जाए गंगा तीरे गी, आर को तो लोग तीरे स्थान नहीं पाया दुई कुंड चीरा भी जाए जले तेनामिया। तो इसी प्रकार चारी ओर से जो ज्यादा जगह ज्यादा बड़े नहीं है तो चारी ओर से मंडली बन के बैठ गया, फिर कुछ बैठने का स्थान नहीं मिला गंगा के तट पे जाके और लोग आए तो वो गंगा के तट में भी स्थान नहीं मिला, पानी के अंदर खड़े हो गया, दो मटके पकड़ लिया। तो ऐसे तले ऊपर इसी प्रकार सभी जगह बैठे 20 लोग परिवेशन परसने लगे, 20 लोग परसने लगे, ऐसे परसना हो गया। इसी समय राघव पंडित के घर में ब्रेकफास्ट नित्यानंद प्रभु को लेना था, ये तू पूरा तैयार किया, तैयार करके भोग लगा के देखे नहीं आ नित्यानंद, टाइम हो गया, बार बार देखते रहे टाइम हो गया, आए नहीं। तभी उन्होंने विचार करने लगे क्यों, तो उन्होंने किसी का कान से मुख से सुने तो कुछ सूखा प्रसाद लेके आ गया, आके नित्यानंद को दिया, भक्त लोग को बांट दिया और नित्यानंद को राघव पंडित जी ने कहने लगे अभी उनके घर नज़दीक में ही है, तो कहने लगे अरे आपके लिए तो प्रसाद बना के रखा हूँ उधर। बोला गोप जाति अमी बहु गोपगण संगे अमी बहु अशुक पाई अमी पुलिन भजन रंगे, मैं तो गोप जाति का हूँ, मैं ग्वाला हूँ,
और बहुत गोप जाति मेरे साथ में है, बहुत सारे ग्वाला मेरे साथ में है, और पुलीन भोजन जो नदी के तट में एकदम सफ़ेद रेत होते हैं उसमें एक्चुअले आप लोग इधर तो दिखाई नहीं देते हैं, हम छत्तीसगढ़ से है, उधर पहाड़ी क्षेत्र है, उधर नदी होते हैं तो एकदम, या सुवर्ण रेखा में आप लोग जाएंगे एकदम रेत, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रेत आपको मिलेगा। तो पुलिन भोजन, ऐसे पुलिन के तट पे भोजन करना बहुत मुझे आनंद होती है। तू आ चाहिए तो गंगा के तट पे हम भोजन करेंगे, तुम्हारा रात को तुम्हारा उधर भोजन करूँगा। राघव को बैठाया, बोला बैठो बैठो अब भी बैठो, बैठाया और दो पात्र उनको दिए, मिट्टी के पात्र दिए, उनको भी राघव दोनों प्रकार की चुरुआ को भिगाने लगे। और जब ही सबका परिवेशन हो गया, परोस लिया सभी के परोस लिया, तो नित्यानंद ध्यान लगाया और ध्यान लगाए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आके आविर्भूत हो गए। महाप्रभु आइले देखे नीता उठिला, तारी लैया सब जगह भ्रमित लगिला, एका कुंडीर चिरा लोया एका ग्रास। इसी प्रकार क्या किया, जब महाप्रभु आ गए, नित्यानंदपुर बैठे थे, खड़े हो गए, खड़े होकर सभी जगह भ्रमण करने लगे। और ऑफरिंग कैसे हुआ, ये ऑफरिंग नहीं किया, ऑफरिंग कैसे करेंगे, एक एक छुआ मेरे सामने दो है तो नित्यानंद आके दोनों से उठा के महाप्रभु के मुख में डाल देंगे, महाप्रभु उठाएंगे और नित्यानंद के मुख, ऐसे डायरेक्ट ऑफरिंग है। लेकिन थोड़ी समय में कैसे कर दिया, ये महाप्रभु के लिए नित्यानंद के लिए संभव है कि सभी के पात्रों से डायरेक्ट ऑफरिंग, एक पात्रों से नहीं, जितने लोग बैठे थे सभी के पात्र से डायरेक्ट ऑफरिंग हुआ, नित्यानंद खाए और चैतन्य। जब ही सभी को प्रश्न हो गया, सबको खिलाना हो गया, तब नित्यानंद प्रभु आए, आकर अपने आसन में बैठे, अपने दक्षिण साइड में नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को आसन दिए बैठे, और सात पात्र उनके पास पहले ही उनके सेवक उनके दिए थे। तो जो उसमें जो पोहा होते हैं, बॉयल करके, बंगाल में जैसे बनाते हैं, बंगाल उड़ीसा में बॉयल करके उससे बनाते हैं पोहा, और एक डायरेक्ट होता है जो अरुआ से बोलते हैं। तो वो चार पात्रों, महाप्रभु ये सब बॉयल वाले नहीं खाते थे, चार पात्र महाप्रभु को दिया, दोनों भाई प्रसाद खाने लगे। और नित्यानंद की कृपा को कौन जान सकते हैं, महाप्रभु को ला कर यहाँ पे चूरा और दही, पोहा और दही खिला रहे हैं। तो आज्ञा दिलो हरि बोली करो भजन, हरि हरि ध्वनि उठी भोली लो भुवन, सभी को महल फिर तो उधर अपहरण किया, फिर आके खाए, फिर बोले कि सभी लोग हरि हरि बोल के भजन करो, तो सभी लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो ऐसे हरि बोल के सारा भुवन कोलाहल हो गया, गुंजायमान हो गया। कम से कम इतना फायदा तो हुआ जो सोने वाले जग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज्ञा और हरी बोल सभी लोग भोजन करने लगे। और रामदास गदाधर आदि, ये तो गोप शाखा है, भगवान के द्वादश गोपालों में से है, वो लोग भूल गया कि हम लोग गंगा तट पे है या यमुना जी के तट में हैं, भूल गया, वो गंगा तट को यमुना तट समझ गया, वो ये ब्राह्मण वो समझ के बोलते हम तो ग्वाला हैं, अभी सभी ग्वाला के साथ मैं प्रसाद ले रहा हूँ, ऐसे हो गया। और रघुनाथ की नित्यानंद की कृपा की, रघुनाथ के ऊपर है, महाप्रभु को लाए और भोजन करवाए। और जब भी खबर मिला कि रघुनाथ ऐसे फेस्टिवल कर रहे हैं, वो उनका बड़ा प्रसिद्ध थे उनकी, तो जिसके पास चीनी था, जो भी चीनी था लेके आया, जिसके पास दही था, दूध था, जिसके पास पोहा था, सभी लेके बेचने के लिए आ गए। और जितने द्रव्य लेके आते हैं रघुनाथ सभी खरीद लेते हैं, खरीद के और बोलते बैठे बैठे अब भी प्रसाद ले लो, उसको भी खिला देते हैं। और कुछ लोग होते कौतुक, मतलब मजाक, कौतुक देखने के लिए, क्या हो रहा है उधर देखने के लिए आए, कौतुक देखने के लिए उसको भी बोले बोले बैठ बैठो अभी प्रसाद लो, कौतुक देखे आयो जतन, कौतुक देखने के लिए जितने भी लोग आए उसको भी प्रसाद खिला दिया। तो इसी प्रकार सभी को प्रसाद आदि खिला दिया। खिलाने के बाद नित्यानंद प्रभु उठे, आचमन किए, और जो साथ था महाप्रभु के
चार और नित्यानंद के तीन, इसको रघुनाथ को चार पात्रों दे दिया, जो बचा हुआ था उसमें बचा हुआ दे दिया, और तीन पात्रों जो अवशेष था थोड़ा थोड़ा करके ब्राह्मण बांट दिया। एक तो पहले वो फायरिंग किया नित्यानंद और गौरंग डायरेक्ट, अभी जो खाया हुआ बचा ये भी सबको थोड़ा थोड़ा मिला। आ रघुनाथ आनंदित प्रभु शिष्य पाया अपनार गंशो खाइलो बसिया। रघुनाथ बड़े आनंदित हुआ महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के अवशेष को पाकर, और अपने गण जो उनके साथ सिक्योरिटी आदि जो भी थे सभी मिलके वो लोग प्रसाद पाए। और जे महाप्रभु आए ये कोई नहीं देख पाया, वो केवल महाप्रभु के जो अंतरंग भक्त है एक दो व्यक्ति एक दो तीन देख पाया, नहीं देख पाया कोई। ऐसे अफायरिंग हो रहा है जो भी कुछ, वो सोचता है नित्यानंद ऐसे घूम रहे हैं, महाप्रभु का दर्शन पाई लो उन्होंने, भाग्यवान कोई बड़े भाग्यवान है वो महाप्रभु के दर्शन उनको मिला। तब इसके बाद नित्यानंद प्रभु सेवक पान लिया, पान दिए उनको, फिर माला पहनाए, फिर शरीर सर्व सभी को शरीर में चंदन लगाए, माला चंदन जब शिव जे याचिला श्रीहस्ते प्रभु सभा करे वटी दिला। तो जो भी बचा हुआ पान था, बचा हुआ चंदन था, बचा हुआ माला था, आपने श्रीहस्त कमल से प्रेम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं रिझेंगे गौर निताई में। महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने हाथों से माला पहनाया सबको, हाथों से चंदन लगाया, अपने हाथ से पान दे दिया। इसके बाद नित्यानंद प्रभु विश्राम किया, विश्राम करके यही तो कहिलो चिरा दोदी नामे महोत्सव, यही तो कहिलो नित्यानंदेरो विहार चित्तन चिरा दोदी नामे महोत्सव ख्यात महोत्सव जार। तो ये मैं बता रहा हूँ नित्यानंद प्रभु का विहार, और चूरा और दही के नाम की महोत्सव प्रसिद्ध महोत्सव है, क्यों ख्यातो, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यही तो कहिलो नित्यानंदिर बिहार। ये मैंने कहा कविराज गोस्वामी कहते हैं नित्यानंद की बिहार है चूरा और दही के नाम की विख्यात महोत्सव है, क्यों, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो कभी मिटता नहीं है, दिन दिन बढ़ोतरी होते हैं। कि आज भी आप जाएंगे, आज से दो साल से लॉकडाउन से बैन कर दिया, करने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आपको वो इस क्षेत्र में अब खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी भीड़ होते हैं। मैं पहले ही बताया कि प्रसाद के लिए पागल है, तो जितनी गौरी मठ है, इष्कन वाले है, बाबा जी जितनी संप्रदाय है, सभी संप्रदाय मिलकर आके अलग अलग अपने अपने टेंट बना के जिनका जैसे समर्थ हो वो खिलाते हैं, लाखों की संख्या में, कोई बड़ी वस्तु नहीं है, लेकिन वो दंड उसकी पता नहीं है उन लोगों को, मैं पूछे पता नहीं है उसकी अभी तक। नित्यानंद की शब्द है दंड महोत्सव, दंड महोत्सव है इनके नाम, मतलब दंड महोत्सव सभी लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दंड महोत्सव में भाग ले प्रसाद, यही इसलिए बताया ख्यातो, भगवान जो करते हैं वो मिटता नहीं है। भगवान जी गिराची पूजा करके परिक्रमा किया, आज दिन दिन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए ख्यातो है जो ख्यातो महोत्सव। तो फिर दिन शेष हो गया, नित्यानंद प्रभु विश्राम कर रहे, तो उठे, उठ के फिर सभी लोगों को नचाया, नित्य कीर्तन शुरू होगा, केवल खाना नहीं है नाचना भी है। हमारा प्रॉब्लम तो इसलिए होते खाते हैं नाचते नहीं है, पनीर पनीर तो खा लेते हैं पूरा, सभी डीप फ्राई आदि खा लेते हैं, नाचते नहीं है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल इधर जाओ उधर जाओ, नेचुरल क्योर करो, नाचे नहीं, तीन घंटा नाचना चाहिए तभी सब पानी होकर निकाल जाएगा। तो मर्श नित्य नित्य पहले भक्त लोगों को नाचा है, शेषे प्रेमे नित्य करे जगत भाषाए,
सबको नाचाया, फिर नित्यानंद प्रभु नाचा, जगत को पूरा एकदम इतनी प्रफुल्लित कर दिया। फिर नित्यानंद नर्तन जन ताहारो नर्तन उपमा देवर नाही त्रिभुवन। नित्यानंद के नृत्य जैसे महाप्रभु आइलो से नित्य देखिबारे, नित्यर महिमा के बा बनिवार पारे, महाप्रभु ऐसे से नित्य देखिबारे। महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए आए थे, महाप्रभु प्रसाद लेके चले गए जगन्नाथपुरी, फिर बोले अभी तो जाना पड़ेगा नित्य नित्यानंद। महाप्रभु बोले थे चार स्थान में मैं हूँ, नित्यानंद के नर्तन में जहाँ नित्यानंद नर्तन करेगा नित्य करेगा मैं वो आ जाऊँगा। तो अब फिर दोबारा आना पड़ा जगन्नाथपुरी से, फिर मन किया आ गए तो प्रकट हो गया महाप्रभु। नित्यर महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं, स्वयं सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी आकर्षण कर दिया। महाप्रभु ऐसे से नित्य देख रहे और नित्यानंद के नृत्य मतलब महाप्रभु के नृत्य जैसे नित्यानंद नर्तन जन तहारी नर्तन। उपमा नित्यानंद ऐसे नृत्य करते हैं जैसे उपमा देने के लिए कि इसके बराबर नित्यानंद नृत्य कर, उसके बराबर उपमा देने का दूसरा कोई है नहीं, ऐसे नित्यानंद की नृत्य है। तो नित्यानंद ऐसे नृत्य किया जिसको उपमा देने का लगे, तब नित्यानंद परिश्रम हो गया, विश्राम किए नित्य समय, तुरंत राघवरात हो गया, प्रसाद की व्यवस्था किए, प्रसाद के लिए बैठे और नित्यानंद प्रभु अपने गण को लेकर बैठे और अपने एक आसन बैठाया महाप्रभु के लिए। महाप्रभु आकर उस आसन में नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आए हैं नित्य दर्शन के लिए, प्रसाद भी पाके जाइए। तब तो बैठे प्रसाद के लिए बैठ गए, राघव देख लिया, राघव देखा जितनी कुछ बनाया बहुत सारे व्यंजन बनाए, बना के उनके सामने रखा। राघवेर घरे रांधे राधा ठाकुरानी दुर्वासा ठाईते पाइयाचन बर अमृत होते पाक अधिक सुंदर। तो राघव के घर पे जो कुकिंग करती है साक्षात राधा रानी, बोला अमृत जो होते हैं अमृत से भी अच्छा राधा रानी के हाथ की भोजन है। अमृत क्या, अमृत तो निंदा करेंगे, अमृत होते पाक अति अमृत से भी ज़्यादा सुंदर वो कुकिंग राधा रानी के है। तो इसके बाद दोनों ऐसे प्रकार दूरभाषा के पास उन्हें बर मिला, जो भी पकाती है वो अमृत बन जाते हैं। तो ऐसे दोनों भाई बैठे और जितने परोसते हैं सभी लोग दोनों भाई पूरा ले लेते हैं, सबको ऐसे परोसा। तो प्रसाद हो गया और लोग सभी लोग प्रसाद आकांठ भर के प्रसाद पाए और लोग बोले रघुनाथ को भी बैठना चाहिए। राघव पंडित बोलता है नहीं नहीं ये बाद में बैठेगा। सभी लोग आकंठ इतना तक भोजन किया, फिर भोजन करके सभी आचमन किए, हरी हरी बोल के आचमन किए और दोनों भाई का जो बचा हुआ पत्ताल था वो पत्ताल रघुनाथ को दिए। रघुनाथ पाए भक्त चित्ते भक्त गृह सदा अवस्थान कबु गुप्त कबु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। भक्त के हृदय में भक्त के गृह में सदा अवस्थान कभी गुप्त है कभी व्यक्त है, कभी गुप्त रूप में रहते हैं यहाते संसार जाए सही जाए नाश। हमें ये मानना है कि हमेशा हर जगह भगवान है, सदा सर्वदा वास, सर्व व्यापक पूर्व सदा सर्वदा वास, यहाते संसाए जाए जार से ही जाए नाश। बहुत अच्छी शब्द है, सर्वव्यापक है प्रभु, हर जगह है, कण कण में है, सदा सदा माने दिन रात 24 घंटा हमेशा हर जगह रहते हैं। यहाते संसाए जार से ही जाए नाश मतलब वही गलत कर सकते हैं, क्योंकि किसी के सामने हम गलत नहीं कर सकते हैं। यदि हम सोचेंगे हर जगह भगवान है तो हम गलत नहीं, यहाते संसाए इसमें जिसका संशय वो नाश वो मतलब गलत कार्य वो कर सकते हैं। त्याग से बोले तो यहाँ विश्राम देते हैं, नित्यानंद प्रभु विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह नित्यानंद अपने गणों को लेकर उस वृक्ष के नीचे बैठे। तो देखिए भोजन आप कराते हैं, कोई गृहस्थ लोग भोजन कर, तीन पार्ट है भोजन कराना, दक्षिणा देना, आशीर्वाद लेना। तो इसी प्रकार
नित्यानंद प्रभु अपने परिकर लेकर दूसरे दिन भी बैठे हैं। राघव पंडित को लेकर नित्यानंद प्रभु बैठ गए, रघुनाथ गोस्वामी उसके पास, उनके पास गए, जाकर कहने लगे कि मैं बामन होकर चंद्र को मैं पकड़ना छोटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, चंद्र को पकड़ना चाहता हूँ। आपके कृपा, जितने बार हम घर छोड़ के भागते हैं, माता पिता ला के मुझे बांध देते हैं, तो आपकी कृपा के अलावा कोई चैतन्य पा नहीं सकते हैं। अजोग्यमयी निवेदन करीते करी भय, मोरे चैतन्य देह गोसाई होइया सदय। तो मैं अयोग्य हूँ चैतन्य को पाने के लिए, उनके चरण प्राप्ति के लिए मैं अयोग्य हूँ। आपके चरण को मैं निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके मुझे चैतन्य को दे दीजिए। तो देखिए, हम आपने आपके समझते हैं योग्य है, हम समझते हैं मैं ऐसे हूँ, मैं ये से कर लूँगा, मेरा स्वरूप है, मैं डायरेक्ट राधा कृष्ण का सेवा करूँगा। आज नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी इतना वैभव, जिनके मन में एक लेश तक नहीं मिलता है, ये नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में प्रार्थना कर रहे कि मैं प्रभु अयोग्य, मैं निवेदन करने में अपने डर रहा हूँ, मुरे चैतन्य देहो को सही हुई सदाय, आप मैं तो योग्य नहीं हूँ, आप दया करके आपके कृपा से मुझे चैतन्य दे। तुम्हार कृपा बिना केव, आपके कृपा के अलावा कोई चैतन्य नहीं पा सकते। आप कृपा करेंगे अधम भी उसको पा सकता है। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बोले, लोगों को बोले, देखो इनकी इंद्र समूह, इनके ऐश्वर्य है, चैतन्य की कृपा से इनके मन में नहीं भाता है ये ऐश्वर्य। सभी लोग आशीर्वाद करो, निर्विघ्न उसके चैतन्य चरण मिल जाए। तब फिर बुला के प्रणाम करो, फिर हाई वोल्टेज रख दिया, चरण कमल रख के बोलता है, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जने पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारो नहीं भाई। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सुगंध जिसको एक बार मिल गया, ब्रह्मलोक आदि मतलब उसी प्रकार, उसी लेवल की कोई भी सुख उसको मन में भाते। हमारे जैसे कीड़े के जैसे, ये जो राधा महाराज बार बार बोलते हैं कि ये जो स्वर्ग देवता लोग हम लोग को जैसे सुअर नाली में, हम लोग देखते हैं सुअर को नाली में है, हम लोग को ऐसे देखते हैं देवता लोग ऊपर से कि कीड़े में तो ये नाली में आनंदित हो रहे हैं। तो ये लोग क्या ब्रह्मलोक आदि सुख उसके मन में नहीं भाते, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के एक बार सौगंध जिसको मिल गया। तो ऐसे उन्होंने बोले और आशीर्वाद किया, सभी लोगों को बोले सभी को चरण वंदना करो, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बंधन आदि सब निकाल छूट गया और तुम निश्चिंत तो होकर निर्विघ्नों में आपको चैतन्य चरण मिलेगा, आपको अंतरंग सेवक बोलकर आपको शिकार करेगा, अंतरंग सेवक बोलकर आपको शिकार करेगा, आप निश्चिंत तो होकर अपने घर पे जाओ। तो फिर सभी भक्तों को चरण वंदना किया, फिर राघव पंडित से फिर सलाह करके 100 रुपया 7 तोला सोना दिया, 3.5 लाख रुपया 7 तोला सोना की दाम, 3.5 लाख और 100 मुद्रा सोने का मुद्रा, 100 मुद्रा दिया, और सेवक को मना किया अभी प्रभु को नहीं कहना, जब घर पे जाएगा तब उनको बताने कि ऐसे रघुनाथ ने दक्षिणा दिया है। फिर राघव पंडित अपने घर ले गए, ठाकुर जी के दर्शन कराए, पथ में क्या खाएंगे प्रसाद दे दिए, और रघुनाथ फिर राघव पंडित से बोले कि मैं और भी दक्षिणा देना, 20, 15, 12, 10, 5 रुपया व्यक्ति के अनुसार दक्षिणा, ऐसे नहीं कि हर किसी को बराबर दक्षिणा देंगे। तो इसलिए 20 रुपये जो अच्छे अच्छे हैं महंत लोग 20 रुपया दिया, उसके नीचे जो 15 रुपया दिया, उसके नीचे जो 12 रुपया दिया, उसके नीचे जो 10 रुपया, और सबसे लास्ट 5 रुपया करके दक्षिणा लिख दिया कि इसके नाम में इतना देना है। और उनके कृपा इस आशीर्वाद पा के उन्होंने घर आ गए। तो ये 3 भाग, लेकिन देखिए हम लोग का ऐसे आशीर्वाद मिलते तो निश्चिंत होकर रहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया,
जाकर घर पे प्रवेश नहीं किया, अपने जमींदार थे। जैसे वो अंदर के ठाकुर कृष्णमलम के घर है, इनका आंगन है, आंगन में दुर्गा देवी के मंदिर है। दुर्गा देवी मंदिर बंगाल में क्या मिट्टी से बनाता है, 5 दिन पूजा होते हैं और साल भर मंदिर खाली रहते हैं। तो उसी पे जाके बोला मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी आई, माँ पिता सभी लोग आकर बोला, आग्रह किए, बोला नहीं जाऊंगा मैं। तो ठीक है, तो नहीं जाएगा। उसके पिताजी वही सिक्योरिटी से एक कर दिया, वही रहे। वही रहकर उन्होंने कैसे ना कैसे महाप्रभु के महाप्रभु कृष्ण कृपाजार सही कले सही बुद्धि स्मर में तुम्हार कृष्ण कृपा जी ऐसे तरह के रखते पड़े। तो ऐसे वो सोचते थे कैसे मैं महाप्रभु के चरण में बैठे बैठे सोचते थे, रात दिन ही सोचते थे कैसे महाप्रभु के चरण कमल जाऊँ, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। तो भगवान कृपा करके, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गया, तो ऐसे एक व्यक्ति को यदुनंदन आचार्य उनको कुल गुरु वो आ गए, उनका सेवक जो पुजारी था करके चला गया। रघुनाथ जमींदार प्रभावी व्यक्ति है, ये कहेगा तो शेर आपस वापस आ सकता। रात को ब्रह्म मुहूर्त में आ गया, आकर सभी भगवान की कृपा से सभी जो रक्षा करने वाले सिक्योरिटी थे सभी निद्रा में आ गए, सभी माया मोहित कर दिया और वो सो गए। आके बात करने लगे, रघुनाथ दंडवत किए और उन्होंने कहे कि मेरा सेवक चला गया, आप रघुनाथ को लेके ही चल दिया। तो कथा लंबी है, अभी यही विराम देते हैं। तो बहुत लंबी कथा है इनकी, तो ऑटोमेटिक कृपा उनकी हो गई। तो आज नरहरि प्रभु सबके लिए मंदिर उधर प्रसाद दिए है, चिरादेही महोत्सव, इनके भी आप लोग आशीर्वाद कीजिएगा। तो ये चिरादेही के महोत्सव है, बड़े आज सारा विश्व में, इसलिए बोले ख्यातो, सारा विश्व में जितने इष्कान मंदिर है हर जगह चिरादेही महोत्सव मनाते हैं। जय श्री नित्यानंद प्रभु के, जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के, जगत गुरुशील प्रभुपाद के, समेत गौर भक्तवृंद की, समस्त श्रोतावृंद की, नेताय गौर प्रेमानंदे।